Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So aaj ka ye video hai regarding June predictions 2020, pick a card readings. So yahan par aapke samne 3 cards available hai, pile number 1, pile number 2, pile number 3. So aap video ko pause kar aram se jo bhi cards aapko sabse zyada attract kar rahe hain, aap usse select kar sakte hain. And accordingly aapko niche description box mein टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्ले कर अपने जो भी आपने कार्ड सेलेक्ट किया उसे आप सुन सकते हैं. उसी के अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो मोस्ट वेलकम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज यहाँ पर वीकली एंड मंथली टैरो रीडिंग्स, पिक अ कार्ड रीडिंग्स एंड न्यूमरोलॉजी रिलेटेड वीडियोस पोस्ट होते रहते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है. उसी के साथ साथ एक और चीज़ मुझे ऐड करनी थी, अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर. सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन ईच एंड एवरी कार्ड्स क्या कहते हैं आपको. और उससे पहले आई रियली विश ऑल ऑफ यू कि ये जो जून मंथ है आपके लिए पॉजिटिव हो, हैप्पीनेस लेके आए. एक हम जैसे कहते हैं ना, जब ज़िंदगी में बरसात होती है तो वहीं पर प्लांट्स और हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं. तो उसी की तरह आपकी लाइफ में भी ग्रोथ आए, न्यू बिगनिंग्स आए, न्यू एनर्जी आए, जो भी बुरे बिसरे दिन थे सब गुजर जाएं, सैडनेस चली जाए और न्यू एनर्जी, न्यू वाइब्रेंस आपकी लाइफ में एंटर हो, ये मेरी प्रार्थना है, दुआ है. प्रेडिक्शन में क्या है वो बात तो अलग है, बट हमें अपने दिल दिमाग में आप स्पिरिचुअली डिवाइन को याद करना कह लें या डिवाइन से कनेक्टेड रहना कह लें, वो तो फिर इंसानों की ड्यूटी है ही कि अपने मन को पॉजिटिव रखने की कोशिश पूरी करें. फिर आगे ऊपर वाले की मर्जी, वो हमारी झोली में क्या देता है और क्या नहीं देता, दैट डिपेंड्स. बट सो मैं ये प्रार्थना है आपके लिए और ये प्रेयर्स हैं कि यू गाइस स्टे हैप्पी एंड ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी लेकर आए. सो रेस्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी कार्ड के लिए. थैंक यू सो मच. हेलो, सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है ये रीडिंग उनके लिए है. सो वन बाय वन हम जानेंगे कि आपके लव लाइफ, करियर में इन जनरल जून मंथ आपके लिए क्या क्या ला रहा है. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पहला कार्ड बताता है कि आपके लिए जो पिछला मंथ था, मई मंथ, वो कैसा रहा है, कैसी उसकी एनर्जीज थी. तो यहाँ पर ना ऐसा लगता है कि आपने ना कोई नई प्लानिंग की हो मई मंथ में, कोई नई चीज़ की शुरुआत की हो, या समझ लो आइडियाज़ आए हो कि चलो भाई ये ट्राई करके देखेंगे. ठीक है, एक तो काम के सेक्टर में ये दिखता है. बाकी ये चीज़ें कि आपकी लव लाइफ, प्यार ज़िंदगी को लेकर, या तो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई एंटर हुआ, आप किसी को पसंद करना शुरू हुए हैं, या आप चाहते हैं कि हम उनको बताएं या उन्होंने आपको बताया, तो देयर माइट बी सम न्यू लव फीलिंग्स आपकी ज़िंदगी में. वो आप सिंगल हैं तब भी हो सकता है, या रिलेशनशिप में रहते हुए भी कई बार हमारी ज़िंदगी में इस तरीके की हमारा किसी पर्सन से मिलना जुलना हो जाता है, जहाँ पे हमें एक एहसास होता है कि यहाँ पर या तो कोई हमें पसंद करता है या हम किसी को पसंद करते हैं, थोड़ी फ्लर्टिशियस ही एनर्जीज हमें पता चलती हैं. तो ये 2-3 पहलू बनते हैं इस कार्ड के. नाउ डिपेंड्स कि क्या चीज़ है, बट यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ की इंतज़ार, या तो हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या न्यू बिगिनिंग्स हैं, या हम जैसे कहते हैं ना कि, बट ना ये सब बहुत प्राइमरी लेवल पे होता है. मतलब ये मैं कहूँगी ये सब ना जो भी हुआ है मई मंथ में सिर्फ आपके सोच और विचारों में चला है, अभी तक मुझे कोई एक्शन ले लिया हो वो नहीं दिखता है. बट ये एक एफर्ट्स हैं, एक ट्रायल्स हैं. मान लीजिए अगर आपके आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, तो हो सकता है मई मंथ में थोड़ी सी बात हुई हो, थोड़ी सी कम्युनिकेशन हुई हो, थोड़ी सी कोई अच्छी खबर मिली हो आपको मई मंथ में, या कोई अच्छा आइडिया आया हो आपको मई मंथ में. तो मैं बहुत बड़े बड़े इवेंट हो गए हूँ ऐसे नहीं कहूँगी. दिस एस ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट कुछ नए आइडियाज़ आना, नए इंडिकेशन मिलना. जैसे कि होता है ना, ये इंसान ऐसे बैठा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास ये चिड़िया आई है एंड ये इसको कुछ डिवाइन मैसेज देने आई है, कोई अच्छी खबर देने आई कि अगर तू ऐसा कर ले तो क्या होगा. तो इंसान सोचता है, अरे यार मैं ऐसा करके देखता हूँ, अरे मैं ये तकनीक अपनाता हूँ. तो वो हमारे रिश्तों में भी हो सकती है. इट इज़ लाइक सम डिवाइन मैसेज, सम डिवाइन आइडियाज़. तो मुझे ऑल ओवर मई मंथ बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक नहीं लग रहा है आपके लिए. इट हैज़ बिन ओके एंड फाइन. कुछ नई चीज़ें ट्राई की हो सकती है ज़िंदगी में, बट ऑल ओवर स्टिल बैलेंस मंथ था आपके लिए. वहीं जून आपके लिए क्या कहता हुआ ला रहा है, यहाँ पर जून मंथ में भी आपके लिए एनर्जीज ना थोड़ी सी स्ट्रगलिंग मुझे दिख रही हैं. थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि आप थोड़ा सा ज़िंदगी में एफर्ट एंड ट्राई करो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बिकॉज ये वॉन्ड्स के कार्ड हैं. वॉन्ड्स हमारा फाइनेंस और करियर ये सब दिखाता है. वैसे मैं कहूँगी कि पीछे स्पेशली जो भी लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं फिर भी आपके पास बैकअप में मनी की
लिमिटेड सपोर्ट होगी, बट स्टिल मन में एक चिंता है कि यार अब ऐसे ही चलता रहा तो आगे कैसे, नो एक मनी का टेंशन भी दिख रहा है। और कुछ लोगों ने नो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा जॉब में भी स्ट्रगल देखी है, पैसे नहीं आ रहे हैं, जॉब चेंज करनी पड़ रही है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग स्पेशली इन करियर सेक्टर एंड लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो उन चीज़ों को देखते हुए भी यहाँ पर आपके लिए स्ट्रगल या स्ट्रेस दिखता है, बट ठीक है अभी तक मैं कहूँगी आप जून में फिर भी बिगिनिंग टाइम में इतना स्ट्रेस नहीं दिखता। बट हाँ ये जो पोजीशन है ये करियर की पोजीशन है, ये दिखाता है कि यहाँ पे आपका कोई ना कोई जॉब चेंज हो सकता है या जॉब चेंज की कोशिश कर रहे हैं, या हम कहते हैं ना नो जॉब की सिचुएशन हमें कई बार लगती है कि यार अब ये समय में हमें कैसे चलेगी गाड़ी। किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रगल फाइनेंशियली या काम को लेकर स्ट्रेस तनाव बना हुआ दिखता है काम को लेकर। अब मैं ऑनेस्टली कहूँगी ये लॉकडाउन में जो स्थिति हम मोस्ट सारे इन समय से गुजर रहे हैं तो इसमें तो अब समय इस चीज़ को ठीक या बेहतर कर सकता है, बट हाँ आपने संयम बना के रखना इन चीज़ों में। बट फिर भी मैं कहूँगी ये स्ट्रगल दिखाता है, बट यहाँ पे फिर भी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होने नहीं देगा ये कार्ड, ये स्टिल चीज़ों को संभाल लेगा, बचा लेगा तो कर लेगा। मैं कहूँगी थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस कम लीजिएगा, जैसे हम कहते हैं ना एक कहानी मुझे देख के याद आ गई कि हम कल की बड़ी चिंता करते हैं इंसान, तो सभी करते हैं, बट छोटी सी शॉर्ट में चीज़ बता देती हूँ। एक राजा होता है, वो अपनी 10वीं पुश्तों तक उसके पास पैसा होता है और वो कहता है यार मेरे, उसका जो ज्ञानी आदमी होता है उसको पूछता है यार मेरे पास 10 पुश्तों तक का पैसा हो गया, अब मुझे ना कोई टेंशन नहीं है। तो उसका ज्ञानी आदमी कहता है जी राजा जी बड़ी अच्छी बात है, आपकी 10 पुश्तें भी आराम से बिना कुछ काम किए खा पी सकती हैं, अब आपको क्या पैसे की चिंता है। फिर उसको सडनली दिमाग में स्ट्राइक होता है यार लेकिन मेरी 11वीं पुश्त का क्या होगा, जो मेरी 11वीं जनरेशन आएगी वो कैसे खाएगी पिएगी, मुझे उनके लिए भी कुछ करना होगा, मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता। तो इसी तरह से वो अपने बाहर रास्ते में निकलता है तो उसको एक गरीब आदमी दिखता है, वो उसको ऐसे ही थोड़े से ना पैसे दे देता है। तो वो कहता है नहीं 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 मुझे ना पैसे नहीं चाहिए, मेरा आज की तो मेरे पास रोटी हो गई मैंने खा लिया। तो कहता कोई बात नहीं तुझे मैंने पैसे दे दिए तो कल खा लेना। कहता नहीं 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 आप पैसे ले लो। कहता है अजीब बात है मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ तो पैसे लेने को राजी नहीं है। तो वो आगे से कहता है जी मेरे को जिस भगवान ने आज रोटी दे दी है वो मुझे कल भी दे ही देगा, तो ये उसका विश्वास है। तो वो उसी वक्त राजा उसके पैरों पर गिर जाता है और कहता है भाई तुझे कोई चिंता ही नहीं है, मैं तो यहाँ पे 10 पुश्तों का पैसा जोड़ के भी इतना चिंतित हूँ, तू तो तेरे पास आज की रोटी खा के तो मुझसे ज़्यादा खुश है। तो इसी तरीके से इस कहानी का मॉरल स्टोरी ये है कि जीवन में ये जो पैसा है हमारी संपत्ति है इसका, ये ऐसी चीज़ है इंसान मेहनत पूरी करता है बट जब भी इसकी चिंता हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा करना चाहिए कि इस समय में जो ये समा चल रहा है इसमें हमारी रोजी रोटी चल रही है और हम सर्वाइव कर पा रहे हैं वो ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो कोशिश कीजिएगा मेंटल स्ट्रेस ना लें इस मंथ में, ट्राई योर बेस्ट। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पास कहीं ना कहीं सर्वाइवल पीरियड या एक बैकअप प्लान के लिए मनी ज़रूर होगा, बट हाँ करंट सिनारियोज में अगर आप पैसे अर्निंग की सोचेंगे जून मंथ में तो वहाँ पर मुझे कोई स्ट्रगल, तनाव, जॉब मिलने में दिक्कत, ये सारी चीज़ें इंडिकेशन दिखती हैं। सो रेस्ट आप मुझे बताइएगा कि भैया क्या चल रहा है करियर फैक्टर में, क्या चीज़ें देखने मिल रही हैं। वहीं चलते हैं हमारी अगले कार्ड की तरफ जो यहाँ पर ये बताता है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी लव रिलेशनशिप का कार्ड है। अब लव रिलेशनशिप में मैं क्या बताऊँ आपको, इतने बढ़िया कार्ड्स आए हैं, अब मुझे पता नहीं इसका मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा नीचे कमेंट्स में जिन्होंने भी कार्ड ने वो वन से लिख के, बट आप खुद ही कॉम्बिनेशन देख लें एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो नया चल रहा है। नया अगर नहीं चल रहा तो रिश्तों में अगर कुछ ना कुछ मतभेद है तो बातचीत होने के चांसेस है, बिकॉज एसेस हमेशा एक तरीके का ना ऐसा दिखाते हैं, जैसे आज के ज़माने में ना मैं आपको बताऊं तो जैसे होता है ना कि उन्होंने मुझे अनब्लॉक कर दिया लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहे, लेकिन मेरी स्टोरीज देखनी शुरू कर दी, मुझे थोड़ी थोड़ी ना उनमें इम्प्रूवमेंट दिख रही है बट पूरी तरीके से बात छूने की ना हिंट मिलने लग जाती है इंसान को या उसकी गट फीलिंग बोलने लग जाती है। तो कुछ वैसी सिचुएशन भी हो सकती है अगर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है आपकी आपके पार्टनर से। इन लव लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स हैं तो सिंपल भाषा में कहेंगे भैया अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम की एक डोर खुल जाएगी, एक थोड़ी सी इंडिकेशन मिल जाएगी कि हाँ भैया चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की तरफा जा रही हैं, चांसेस बन सकते हैं। फिर इसके बाद सीधा जंप करके आपका जून में तो सीधा लवर्स का ही कार्ड आ गया है, अब आप ही बताओ मैं क्या बोलूँ, सीधे सीधे दो कपल्स आ गए, जोड़ी आ गई है। बट इसमें भी दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगी।
क्योंकि टैरो में हर कार्ड के दो पहलू होते हैं, फिर वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कितने लोग किस सिचुएशन से रिलेट कर रहे हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है हर कहानी और हर कार्ड का पहलू बता देना। तो यहाँ पर तो अभी तक तो हमें कहानी बताती है कि चलो भैया करियर में थोड़ी बहुत दिक्कतें, तनाव बनने के चांसेस हैं थोड़े बहुत। अब ऑफकोर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर वन किया सब उतना नहीं करेंगे, किसी की जॉब होगी, किसी को कोई भी पैसे की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है इनकम चल रही है, बट थोड़ी बहुत आसपास स्ट्रगल होगी, कोई बात नहीं। मैं मोटा मोटा कह रही हूँ कि थोड़ी बहुत करियर में स्ट्रगल हो सकती है, बट ये कार्ड बचा लेगा, चलो ठीक है। हमें जो मेन हाईलाइट हो रही है रीडिंग यहाँ पर वो ये है कि लव लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट या पॉजिटिविटी दिखती है, सिंगल है तब भी, या कहीं ना कहीं कोई बातचीत होना, कुछ ना कुछ ना एक्शन चल रहा है पॉजिटिव नोट पे, कुछ ना कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं। वहीं यहाँ पर दिखाता है फॉरेन केस, जिन्होंने भी पाइल नंबर वन से लेके, अब ये थोड़ा सा ना थर्ड पार्टी की तरफ इंडिकेट करता है। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो ये बहुत चांसेस हो सकते हैं कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो सकता है कि वो पर्सन शायद यू नो इज़ नॉट द राइट थिंग, आपके पास दोबारा आ सकते हैं अगर ये सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी वाली। भैया अगर नहीं है तो मेरी सुन के शक ना कर लेना, वो अच्छी बात नहीं है। तो उसके बाद में अगर कोई भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये कार्ड कहता है द लवर्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि बहुत लोगों की यू नो शादी के अलग अगर देख रहे हैं तो शादी की बात पक्की हो सकती है, शादी का इवेंट हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ में हीलिंग हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, अच्छे इंडिकेशंस दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ों में एक अच्छी इंडिकेशन दिखती है, स्पेशली लव लाइफ को देखकर जिन्होंने भी कार्ड नंबर वन सेलेक्ट किया है। आई सी कुछ सेटलमेंट या अच्छी चीज़ हो सकती है, उसमें कोई टेंशन नहीं दिखती है, तो ये सारी एनर्जीज दिखती हैं। तो ये वाली चीज़ आपकी गौर करने वाली है इस रीडिंग में, ये जो इम्पोर्टेंट है। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि ये तीन चीज़ें हमें दिख रही है, बाकी तो आप ही मुझे बताएंगे क्या हो रहा है। बाकी और भी कार्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर तीन स्पेशल कार्ड्स हैं करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, तो मैं वन बाय वन ये स्पेशल कार्ड्स रिवील करूँगी। तो अभी हम चलते हैं हमारे डिवाइन मैसेजेस के ऊपर, स्पेशली कि आपके लिए इन जनरल लव लाइफ को लेकर या ऑल ओवर क्या है। तो यहाँ पर ना फिर से कार्ड आ गया आपका ओपन अप का। ये कार्ड कहता है कि भैया अगर दिल में कोई फीलिंग्स हैं तो उसे बता दो, झगड़ा मत करो, ब्लेम मत करो, बट दिल में कोई बात है, चलो कोई शिकायत ही है तो उसे बस कह दो कि अगर तुम ये ऐसे करते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, मैं कोई ब्लेम नहीं करी, लड़ाई नहीं करी, बट अगर ऐसे करते तो अच्छा लगता। अब कुछ कहेंगे मैम बात ही नहीं हो रही तो कहें क्या, हर जगह से ब्लॉक किया हुआ तो कैसे कहें, वो बात अलग है। बट उसके अलावा जिनके बीच में बातचीत चल रही है तो ट्राई टू कम्युनिकेट, जब बात हो पॉजिटिव नोट पे बात करें या उन्हें मौका देने की कोशिश करें। मौका दिया जा सकता है अपने पार्टनर को लव लाइफ में। एक और चीज़ मुझे ये कार्ड को देख के जो मुझे कहनी थी वो ये है कि ओपन अप तभी भी आते हैं जब आपकी लाइफ में, जब आप अपनी लाइफ में किसी से ब्रेकअप कर चुके होते हैं, एंडिंग हो चुकी होती है, उसके बाद में आपकी ज़िंदगी में कोई नया प्यार आता है, कोई नया पर्सन आता है, तो आप उसके लिए ओपन अप नहीं होते। आप कहते हो तो नहीं यार मेरे को तो अभी प्यार ही नहीं करना, मेरे को अभी भरोसा ही नहीं है प्यार पे, मुझे मौका ही नहीं देना। और वो बेचारा जो नया पर्सन आया होता है वो अपनी पूरी जद्दोजहद कर रहा होता है कि भैया मैं तो करता हूँ प्यार, मुझे तो मौका दे दो। तो ये इंसान फिर वो प्यार को मौका नहीं देता है। मौका मतलब ये नहीं कि आप तो पूरे प्यार में पड़ जाओ, पर एटलीस्ट अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को मौका देने के लिए उस पर्सन को आप मौका दे सकते हैं, उस प्यार को चांस दे सकते हैं। सो ओपन अप उसमें भी इंडिकेट करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया प्यार आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या कोई भी नए रिश्ते आ रहे हैं, तो उनको मौका दीजिए, अपने आप को ओपन अप कीजिए। एक स्टक ना हो जाए, एक सोच विचार को लेकर पकड़ के ना बैठ जाए कि एक इंसान गलत निकला तो सारे ही निकलेंगे, या दो इंसान भी गलत निकल जाते हैं कई बार ज़िंदगी में। ठीक है ज़िंदगी है, अलग अलग प्रकार के लोग मिल जाते हैं कई बार, बट इसका मतलब ये नहीं हम वहीं रुक के अपनी ज़िंदगी को ही तोड़ देंगे। ये तो मतलब जिसने आपके साथ बुरा किया होता है उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है कि आप जहाँ वो छोड़ के आया था वहीं के वहीं रुके हुए हो, ये तो आप उसको और खुशी दे रहे हो। उनसे अगर लड़ के जीत के आगे बढ़ना है तो दूसरों के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है। सो ओपन अप वहाँ पर भी इंडिकेट करता है। तो आप बताइए कि जो स्पेशल ओपन अप का मैसेज है आप कहाँ कनेक्ट होते हैं। इज़ इट कि यू नो किसी और की ज़िंदगी में कोई आपको एंटर करना चाहता है ना अपनी, मैं कहूँगी उनसे बातचीत करें, मौका दें, अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, गिव देम अ चांस। बाकी आगे कहानी वर्कआउट होना हो बात अलग है, बट यू कैन गिव देम अ चांस। एंड वही करंट रिलेशनशिप हो, स्टेबल रिलेशनशिप हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो
तो वहाँ पर भी ये चीज़ इंडिकेट करती है कि ट्राई टू कम्युनिकेट, उनसे बात करने की कोशिश करें, वो भी चीज़ अच्छी मानी जाती है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट सम हाउ ये कम्युनिकेशन ओपन अप इंडिकेट करता है कि दिल में कोई भी बात आप रखें ना, उसके खुल के कहें तो वो अच्छा और शुभ माना जाता है। सो दिस इज़ ऑल ओवर दी स्पेशल मैसेज इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। वहीं हम इसके बाद हमारे अगले कार्ड के ऊपर चलते हैं, जो है आपके फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि दिस इज़ दी वर्ड्स ऑफ अबंडेंस। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, जैसा समय चल रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई थोड़ी सी दिक्कत दिखाता है आपकी करियर को लेकर या कोई भी चीज़ों को लेकर। तो ये कार्ड जो आपके फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए है, सो ये कार्ड कहता है कि आपके सोच विचार आपने पूरी तरीके से ऑप्टिमिस्टिक रखने हैं। हम कहते हैं ना, जैसे कि हम कोई पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकते हैं, हम अपने सोच विचार पॉजिटिव रखें, हम कोई भी मंत्रास या चैंटिंग कर सकते हैं, हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं, तो अपने आप में आपने शब्द नेगेटिव नहीं बोलने हैं कि अब तो, जैसे हम जनरली भाषा में कहते हैं, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे नहीं लगता मैं लाइफ में कभी सेट हो पाऊँगा, या जिस भी प्रकार से नकारात्मक बातें या बोलना नहीं है अपने अपने काम को लेकर। तो ये कार्ड सबसे पहली चीज़ वही कहता है कि अपनी चीज़ों को लेकर या अपने काम को लेकर, करियर को लेकर, अभी तक आपने जो भी अचीव किया है या जिस भी राह पर आप हैं, जितनी भी स्ट्रगल फेस की, उसके लिए ग्रैटिट्यूड और अच्छी चीज़ें लिखें, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें, डिवाइन पर भरोसा रखें, उस तरीके से अपने करियर के ऊपर आप पॉजिटिव एफर्मेशन से कहें, स्पेशली इन जून मंथ। तो ये आपके करियर के लिए डिवाइन गाइडेंस आपके लिए सजेस्टेड है। ये तो होगी आपकी लव लाइफ को लेकर थोड़ी सी, और ये होगी आपके करियर को लेकर। तो सिंपली भाषा में कहूँगी कि पॉजिटिव एफर्मेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग सजेस्टेड है इन टर्म्स ऑफ आपके करियर को लेकर। वहीं अगर मैं और आपके लिए एक और मैसेज के लिए चलती हूँ, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आपके लिए इंडिकेटेड है। ये एक तरीके की ऐसी होती है, ये कार्ड को मैंने इस तरीके से, हम कहते हैं ना, जैसे कि डिज़ाइन किया है कि किस स्प्रेड में मैं इसको कहाँ रख रही हूँ। तो ये स्प्रेड का नाम था कि क्या जून मंथ में जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे, उनके सोच विचार किस तरफ होने चाहिए, जैसे वो अपने आप को पॉजिटिव रख सकें। तो यहाँ पर ये कार्ड का नाम है नोटिस द ब्लेसिंग्स। अगेन ये सेम थिंग कहता है, ये भी चीज़ आप देख लो तो सेम चीज़ कहती है कि यू नो, पॉजिटिव वर्ड्स अपने आप, क्योंकि हम परिस्थिति को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम सिर्फ अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को, अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये चीज़ भी सेम कहती है, यहाँ पर भी सेम चीज़ कहती है कि नोटिस द ब्लेसिंग्स। जितनी भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में चल रही हो, स्टिल ये कार्ड कहता है कि जो अच्छी चीज़ है, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में है, उसका शुक्राना करें, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर भी कही जाती है, अगर आपकी लाइफ कहीं पर रुक गई है, नहीं समझ पा रहे, तो स्टिल ओपन अप, अपने आप को मौका दें, दूसरों को मौका दें, जो दिल में बातें वो कहें, बट स्टक ना हो जाएं, रुक ना जाएं, आगे बढ़ने की कोशिश पूरी तरीके से करते रहें। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जिन्होंने भी जून मंथ के लिए पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये एक मूवमेंट का मंथ है, एक ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मंथ है, लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिखने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, बट ऑल ओवर आपकी सेल्फ पर्सनालिटी के ऊपर भी मैं कहूँगी, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बातें, अपने आप को पॉजिटिव रखने की पूरी पूरी कोशिश करें जून मंथ में। सो आपके लिए बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव मंथ हो सकता है। सो मेरी भी आपके लिए यही दुआ है, प्रेयर्स हैं कि आप जून मंथ में खुश रहें, जो भी आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो पूरे हों। सो ज़रूर अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो वन बाय वन हम जानेंगे आपके करियर, लव लाइफ को लेकर एंड जनरल क्या कहता है टैरो कार्ड्स इन टर्म्स ऑफ अ जून प्रेडिक्शन। सो सबसे पहली चीज़ कि आप मे मंथ में कैसा फील कर रहे थे, क्या आप सफ़र करते हुए आ रहे हैं, क्या एनर्जीज थी, खुश थे, पॉजिटिव थे। सो यहाँ पर ये कार्ड बताता है 6 of 7 of Wands, ये कार्ड बताता है मुझे थोड़ी सी आपकी जर्नी मे मंथ की स्ट्रगलिंग, हेक्टिक, फ्रस्ट्रेटिंग, लोग थोड़े से अगेंस्ट हो गए होंगे, किसी से जम नहीं रही होगी, आप किसी को कुछ कह रहे होगे तो सारा का सारा ग्रुप या मेजॉरिटी ऑफ पीपल ही आपके अगेंस्ट हो रहे होंगे। हम कहते हैं ना, परिवार में नहीं हमारी इतनी जम रही, हम किसी को कुछ कह रहे हैं भैया हमारी कोई समझ नहीं पा रहा, या हम जनरली फाइनेंशियली भी कई बार लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, ऑल ओवर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हैंडल कर रहे हो, खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे थे मे मंथ में। सो लिटिल बिट मे मंथ थोड़ा सा हेक्टिक था, मैं बहुत ही एकदम डिज्नीलैंड राइड थी, सब कुछ बड़ा ही खूबसूरत खूबसूरत था, ऐसे नहीं कह सकती हूँ, स्ट्रेस था, गुस्सा था, इरिटेशन थी, फ्रस्ट्रेशन थी। सो मे मंथ वॉज हेक्टिक, परेशान वाला था, बहुत भी नहीं था, बट हाँ
ये बात बड़ी अच्छी है कि आपने गिव अप नहीं किया, जितना कुछ भी देखा समझा मेरे मंथ में गिव अप नहीं किया है, बिकॉज ये कार्ड बताता है कि ये बंदा गिव अप नहीं कर रहा है। इसके अगेंस्ट में 7 यू नो ऐसी तलवारें आ रही हैं, वो फिर भी अकेला लड़ रहा है। विल पावर बड़ी अच्छी है, तो आपने गिव अप नहीं किया। जो भी चैलेंजेस थे, मे बी इट कैन बी चैलेंजेस रिगार्डिंग फाइनेंसेस, जॉब को लेके, जॉब फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स इन दी जॉब, ओ माई गॉड, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ों में आप यू नो डट कर टिके रहे, ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं जून आपके लिए क्या ला रहा है। अब जून ना, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है फाइल नंबर 2, उनके लिए यहाँ पर रीडिंग्स ना कुछ काम को लेकर अच्छी इंडिकेशन दे रही है। अब आगे ऊपर वाले की मर्जी, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे होता क्या है। बट जून मंथ में आपके लिए करियर को लेकर अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, तो अगर जिनकी जॉब नहीं है या जॉब चली गई है, जॉब फिर से आ सकती है, नई जॉब मिल सकती है, कोई काम की शुरुआत हो सकती है, आपका बिजनेस अगर बंद था तो शुरू हो सकता है, समवेयर कुछ फाइनेंशियल मूवमेंट शुरू हो सकती है इन अ पॉजिटिव नोट। उसी के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि मैम हमारा तो काम चल रहा था लॉकडाउन में भी, इतनी प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, जून मंथ में जो भी आपका काम चल रहा था, नहीं चल रहा था, जिस भी प्रकार की एनर्जी थी, फाइनेंशियली वो चीज़ अपग्रेड होगी। जून का मंथ पैसे की चिंता नहीं ला रहा है, पैसे की अच्छी खबर ला रहा है, सिंपल भाषा में। अब उसके ना बड़े सारे अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं, ऐसा था, वैसा था, ये था, मैं उतना नहीं बता पाऊँगी, सिंपल भाषा में कहूँगी तो देयर इज़ पॉजिटिविटी एंड गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, डील्स, सारी चीज़ों में अच्छी खबर आ सकती है। अब कई बार क्या होता है, लॉकडाउन चलते कुछ काम ऐसे हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शायद वो ना खुल पाएँ, वो भी हमें अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकली रखनी होगी। बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए, अगर हाँ जिनके नहीं भी अगर कोई नहीं होता तो किसी को पैसे की मदद चाहिए, कुछ भी चाहिए, उनके लिए भी मैनेजमेंट हो जाएगी। तो समवेयर फाइनेंशियल हेल्प एंड पॉजिटिविटी दिखती है। भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े, मोस्टली बैकअप प्लान भी अच्छा दिखता है। बट ऑल ओवर आई सी गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसिस फॉर यू गाइज। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं जनरली आपकी करियर की बात अगर करती हूँ, तो यहाँ पर भी एक अच्छी इंडिकेशन दिखती है आपके। अगेन ये भी आपका करियर का कार्ड है। ये है कि भैया जून का मेन हाईलाइट क्या है, थीम क्या है। अब ये तो एक तो मैंने कहा कि जैसे कि नो आपके पैसे को लेकर अच्छा इंडिकेशन है। बाकी अगर कुछ लोग लॉकडाउन में अपनी मैरिज की तैयारी या रिश्ता पक्का करना चाहते हैं, शादी की बात हो, तो बड़ी फैमिलीज़ कर रही हैं अपने आप में 20 लोगों के साथ में छोटा मोटा फंक्शन करके कर रहे हैं। अगर इस तरीके की आपकी प्लानिंग इच्छा है तो उसमें भी अच्छी खबर आ सकती है शादी के रिश्तों में लेकर। तो वो इवेंट भी कोई अच्छा इवेंट आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जून मंथ में। बाकी यहाँ पर ये जो आपके करियर पोजीशन में भी अच्छा कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब मैं क्या बताऊँ, प्रमोशन, अच्छा जॉब चेंज, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, न्यू स्टार्टअप, समथिंग न्यू, कोई रिजल्ट आने हो भैया उसके लिए भी अच्छा कार्ड है। अगर कोई एग्जाम दे रही हो उसके रिजल्ट आने हैं, हर तरीके से कॉम्बिनेशन, क्या मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा कहने के लिए, अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। तो अब हम ज़्यादा नहीं कहते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी क्या हो, कितने लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। चलिए इस करियर को तो थोड़ा आप साइड में नज़र इनकी हटाते हैं, लव लाइफ की ज़रा पे आ जाते हैं। अब लव लाइफ में दिखता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को या जिस भी पर्सन को ना प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वहाँ पर ना थोड़े से आप उनसे भी डिसअपॉइंट हो गए हैं। अब मन ऐसा हो गया कि यार अब बहुत हो गया, अपना मैं अब दुखी हो गई हूँ, अपना मैं एफ़र्ट ले लेके अब मैं तंग आ गई हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे ना कहीं अकेले जाके बैठना है, मुझे ना ब्रेकअप करना ना पैचअप करना है, मुझे बस जाके अकेला बैठना है, मैं तंग आ गई हूँ अभी। सो लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अकेले रहना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं। अगर आप किसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से एंड कर चुके हैं और ज़िंदगी में अभी इंतज़ार भी आप उनकी कोशिशें कर करके थक गए, तो दिस इज़ द मंथ ऑफ मूविंग ऑन। अदरवाइज इन जनरल ये कार्ड बताता है कि हम रिलेशनशिप में हैं, जैसे शादी में हैं, बट हम कहीं ना कहीं मन से दुखी होकर हम यू नो अकेले रहना चाहते हैं, थोड़ा टाइम हम अपने आप में रहना चाहते हैं, हम चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को अब खुद समझना चाहते हैं, अपना ख्याल खुद रखना चाहते हैं, क्योंकि अब हमें लगता है हमारी कोशिशें हमारे प्यार पे असर नहीं कर रही, वो शायद हमें समझ नहीं पा रहे हैं, तो शायद अब मुझे ही अपने आप को संभालना होगा और शायद मैं अकेले एकांत रहकर चीज़ों को सही नज़रिए से देख पाऊँगा या पाऊँगी, एंड मेरे अकेले रहने में मैं चीज़ों को बेहतर समझकर अपनी ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले ले पाऊँगी। अब मुझे नहीं लगता
कि मुझे कोई दुनिया समझा पाएगी मुझे क्या करना है। अब मुझे लगता है कि मुझे खुद ही अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने होंगे। तो इमोशनली समवेयर डिससेटिस्फैक्शन, मूविंग ऑन, अपसेट, इस प्रकार की फीलिंग्स एंड भावनाएं दिखती हैं। जैसा कि मैंने कहा, रिलेशनशिप में रहते हुए भी कई बार मतभेद हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेट चीज़ें हो जाती हैं, हम ऐसे ही थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं, बात कम करते हैं। तो उस तरीके का स्ट्रेस एनवायरनमेंट दिखता है जून मंथ में लव लाइफ को लेकर। कुछ लोग कहेंगे कि मैम अगर हम किसी का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ है। तो मैं उस चीज़ के लिए कहूँगी, डिटेल समझने के लिए फिर आप जून की लव रीडिंग देख सकते हैं अपनी राशि के अनुसार, तो उसमें और अच्छे से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। मैं उतना डीपली नहीं बता पाऊँगी कि इसमें यू नो कि आपके पार्टनर और क्या एनर्जी, बट ऑल ओवर मैं कहूँगी स्पिरिचुअली पॉजिटिवली जून मंथ जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 से लेके, इट इज़ अबाउट हम अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद सोचेंगे, खुद फैसले लेंगे, खुद समझना चाहेंगे। शायद ये दुनिया हमें नहीं समझ पा रही, शायद ये दुनिया हमारा सहारा अब नहीं बन पा रही, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उस तरीके से आप बस एक कोने में जाकर शांत अपनी फीलिंग्स और अपनी जो भी स्ट्रेस हुआ है आपको, आप खुद हीलिंग करना चाहते हो। सो ऑल दोज डीप इमोशंस है, बहुत ही डीप इमोशंस हैं। हम कहते हैं ना, अब हाले दिल क्या किसी को बताएं, वो वाला सिचुएशन है। सो ऑल दोज हाई इमोशंस दिखते हैं, बट मैं कहूँगी ना लेट इट गो। यहाँ पे फुल मून है इमेज में, फुल मून जब भी आता है ये कहता है कि भैया जो है ना रिलीज़ कर दो, रिलीज़ एवरीथिंग, सब कुछ डिवाइन को रिलीज़ कर दो। प्रार्थनाएँ करें, अपने आप को मौका दें इस जून मंथ में, जस्ट लेट इट गो। जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी बर्डन, कोई भी बोझ अपने दिल दिमाग पे ना रखे, जस्ट लेट इट गो, छोड़ दो। कोई चीज़ आपके लिए ज़िंदगी में बनी होगी भैया, लड़ा के आ जाएगी और कोई रोक भी नहीं पाएगा। और अगर कोई चीज़ नहीं लिखी ना, तो उसके लिए आप जितना मर्जी कर लो, फिर वो नहीं आती, वो सिर्फ आपको चिंता और दुख दे देती है। तो इसीलिए बी इन अ फ्लो, ट्राई टू एक्सेप्ट थिंग्स एंड रिलीज। फुल मून एक ही चीज़ कहता है भैया, रिलीज़, छोड़ दो चीज़ों को, कुछ वक्त के लिए छोड़ दो चीज़ों को, शायद आपके छोड़ने से चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी डीप मीनिंग। मैं इंतज़ार करूँगी जिन्होंने पाइल नंबर 2 से लेके कितना डीपली कनेक्ट हुए हैं अभी तक की रीडिंग से। रेस्ट चलते हैं हमारा आउटकम कार्ड क्या कहता है, यू नो ऑल ओवर एनर्जी का। तो वाह, क्या कॉम्बिनेशन आया है। सो यहाँ पर भी आपके लिए 10 of Cups एंड 6 of Wands एंड यहाँ पे सन। तो समवेयर आपकी ज़िंदगी में ना जून मंथ में कोई तो खुशखबरी भी आती हुई दिखती है ज़िंदगी में। अब कुछ लोगों की ज़िंदगी में ना अगर बाई चांस किसी भी प्रकार की कोई पास्ट रिलेशनशिप में एंडिंग्स हुई हैं एंड अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होने की कोशिश करें, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं नो किसी प्रकार का रिश्ता पक्का होना, वो अगर शादी के लिए देख रहे हैं, तो वो भी इवेंट ऑकर हो सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन वो इवेंट को भी डिनोट करता है, इसलिए मैं कह रही हूँ अब सबकी ज़िंदगी में ना हो या हो, दैट डिपेंड्स कितने लोग इससे कनेक्ट हो पाएंगे, बट ये एक ना सिचुएशन को इंडिकेट करता है। बाकी ऑल ओवर सन कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड आपकी ज़िंदगी में फिर से, अब ये जो जा रही है ना आगे आगे चलती हुई, अब लड़का और लड़की जो मर्जी हो, ये एक एनर्जी के तौर पे बता रही है। अभी जो आगे खुद इसने जो हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ रही है ना, इसके बाद वो हम कहते हैं ना कि जो भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो यहाँ पर आप वो समय पर आए जहाँ पर आपने खुद की मदद करने की कोशिश की, ज़िंदगी में आप इमोशनली आगे बढ़े, वहीं आपने जाके आगे करेज, स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस की। आप ये बहुत सेक्टर्स में हो सकती है, आपके सेल्फ पर्सनालिटी में हो सकती है, रिश्तों में हो सकती है, नए रिश्तों में हो सकती है, काम में हो सकती है, समवेयर कोई अच्छी अचीवमेंट, गुड न्यूज़, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, विल पावर, स्ट्रेंथ किसी भी रूप में आ सकती है। बट जून मंथ आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज लेके आ रहा है, अंधकार में सूर्य उदय होगा, इस प्रकार की चीज़ें मैं कह सकती हूँ। आफ्टर डार्कनेस देर इज़ अ ब्राइटनेस, सो ब्यूटिफुल ट्रांजिशन, यहाँ से हटके सीधा का सीधा दिन का उजाला, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो मेरे को तो सबसे पहली चीज़ लगती है, अगर कोई काम रुके अटके हुए हैं तो वो तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ सकते हैं। जून में मूवमेंट दिख रही है, जैसे हम कहते हैं ना हमारा मन बुझ गया, अब मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मेरी इच्छा नहीं है, ये एनर्जी में कई बार इंसान ऐसे में हो जाता है ड्यू टू ज़िंदगी की सिचुएशन की वजह से। और वहीं जब सन कार्ड आ जाता है तो ये पूरा का पूरा चीज़ों को बदल देता है, फिर इंसान को फिर से ऊर्जा आ जाती है, फिर से कुछ करने का मन करता है, फिर से कुछ जीत जाता है। तो देर इज़ अ पॉजिटिविटी, तो वो
जो जिंदगी का बटन है वो पॉजिटिव साइड घूमेगा, इसके चांसेस हैं। बाकी आप बताइएगा जी नीचे कमेंट्स में कि क्या हो रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 2 से लेके आया। रुकिए रुकिए, और भी कार्ड्स हैं, ये कुछ स्पेशल कार्ड्स हैं आपके लिए जो बताएंगे आपकी करियर के लिए क्या डिवाइन मैसेज है, लव लाइफ के लिए क्या डिवाइन मैसेज है, और इन जनरल आपके लिए क्या है। सबसे पहली चीज़ आपकी लव लाइफ को लेकर, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर था समवेयर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। अभी डिवाइन मैसेज भी आपसे कह रहा है फाइंड बैलेंस, वो तो आप कर ही रहे हैं, मुझे साफ साफ दिख रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आपने सोचा दूसरे सहारा बनोगे, दूसरे पे डिपेंडेंट रहे खुश होने के लिए, बट वो खुशी अब वहाँ पे नहीं हो रही, आपकी कदर नहीं हो रही, तो इसीलिए आपने सोचा कि अब समय है कि मैं अपना ख्याल खुद रखूँ, थोड़े से अपने आप को संभालने की कोशिश करूँ, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आऊँ। सो ऑफकोर्स अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब है, इमोशनली हैप्पी नहीं है, कोशिश करें अपने मन दिमाग को अपनी काम की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करें, ज़िंदगी में जो चीज़ें अच्छी हैं उन पे गौर करें, उन पे पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें तो अच्छा है। सो इन योर लव लाइफ स्पेशली, ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है फॉर योर लव लाइफ, दैट इज़ फाइंड बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, अपने बिहेवियर में बैलेंस, कि ओवर हम कहते हैं ना बहुत इमोशनल होके हमने आके बर्स्ट आउट हो गया, हमने ये कह दिया, वो सब ना करें। ट्राई टू गेट बैलेंस, ट्राई टू गेट कंट्रोल, तो बैलेंस लाने की कोशिश करें। आई होप मैंने अभी तक इन कार्ड्स को अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट चलते हैं आपके लिए यहाँ पर करियर को लेके क्या मैसेज है। करियर को लेकर ये मैसेज आपसे कहता है कि ये भी रिलेटेबल कार्ड है इसके साथ में, ये आपके लिए इन जनरल आपकी पर्सनैलिटी को लेकर। तो ये दो कार्ड्स आपसे कहते हैं आपके करियर को लेकर, ये दोनों ही कार्ड का मैसेज है कि आप को ये जून मंथ में स्पेशली इन जनरल आपके लिए गाइडेंस है कि इस मंथ में स्पेशली गॉसिप्स, हम कहते हैं ना कि हम गॉसिप तो मैं नहीं कहूँगी, बट हम जो शब्द कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है, मेरा क्या होगा, हम दूसरों का देख के अपनी एक्चुअली गॉसिप करते हैं, दूसरों से ज़्यादा तो हम खुद की ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं, दूसरों को तो बड़े अच्छे से मिलते हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप ये हैं, आप वो हैं, खुद की बारी आती है मैं ही अच्छा नहीं हूँ, मैं ही सबसे कमी हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, तो एक्चुअली इट्स अबाउट गॉसिप अबाउट सेल्फ। तो मैं कहूँगी किसी भी प्रकार की बुराई बात करना किसी और की या अपनी, तो वो इस मंथ में अवॉइड कीजिएगा, किसी भी प्रकार का वो एनर्जीज में ना इन्वॉल्व हूँ आपके करियर के लिए। ट्राई टू बी पॉजिटिव, एंड यहाँ पे भी लिखा है कॉन्शियस कंज्यूमर। इस कॉन्शियस कंज्यूमर का ना कहीं मतलब ये होता है कि लाइफ में हम कहते हैं ना, जैसे गांधी जी ने कहा था, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुनें। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 से लेके आया, मोस्टली दिखता है कि इनकी एनर्जी ऐसी है, इनकी ऑरा ऐसी है, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये थोड़े से ऐसे कि जिस संगत में बैठते हैं ना, ये थोड़े से वैसे हो जाते हैं। अगर कोई अच्छी बात सुनते तो पॉजिटिव हो जाते हैं, किसी का बुरा सुनते तो उनके दिल पे लग जाती है, तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं। सो ट्राई योर बेस्ट कि आप अच्छी संगत में रहें, अच्छी बातें सुनें, यूट्यूब पर अच्छी बातें सुनें, मेरे चैनल को देखने की कोशिश करें, जस्ट किडिंग, आपको जो अच्छा लगता है आप वो देखें, बस अपने आप को खुश और पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। सो वो चीज़ आपके लिए सजेस्टेड है कि जब हम कहते हैं ना कि हम ऐसा क्यों हो गया, वो फुलाने का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, बहुत उन सब में इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें इन जून मंथ में। क्योंकि क्या होता है, आप किसी की भी बुराइयाँ सुनते हो, या कई बार हम इंसान हैं कर ही देते हैं किसी और की ये वो, तो उससे आपकी एनर्जी डल या आप नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। और ये स्पेशली ना मैं कहना चाहूँगी इस सेक्टर में, जब भी हमारे लव रिलेशनशिप में कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम सबसे पहले फ़ोन उठा के अपने बेस्ट फ्रेंड को या यहाँ वहाँ कॉल करते हैं, भाई ऐसा ऐसा हो गया तुम्हें पता चला, तो उस तरीके से कई बार हम जब इस तरीके से अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं ना कि वो फिर दर्द बढ़ता है कई बार। तो इससे बेहतर ये है कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ी सी चुप्पी साध लें, तो उससे कई बार वो इमोशन स्टेबल होके अपने आप धीरे धीरे चले जाते हैं। तो इस तरीके की कुछ आपके लिए काम को लेकर भी गाइडेंस है, दूसरी चीज़ों को लेकर भी गाइडेंस है। ऑल ओवर समवेयर मेरे को ना ये दो जो कार्ड के लिए आपके लिए मैसेज है कि कोई भी चीज़ अगर आपके साथ अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में अपने आसपास में ना भूलें, कोशिश करें संयम बना के रखें, कंट्रोल रखें, अपने आप तक बात रखें, वो जब काम हो जाए तब बोलें, ये भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा। सो ऑल ओवर दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। सो काम को लेकर तो भैया मुझे अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, अब भगवान जाने कितने लोग इससे कनेक्ट होंगे, कितने लोगों को ये रीडिंग सही लगेगी, तो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है, मैं जानना चाहूँगी ज़रूर कि मैंने अच्छी तरीके से समझाया है या नहीं। सो आई होप दिस रीडिंग वॉज हेल्पफुल फॉर यू।
सो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेस्ट अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो, सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया है ये रीडिंग उनके लिए है। सो वन बाय वन हम जानेंगे कि आपके करियर एंड लव लाइफ के रिगार्डिंग इन जनरल क्या कार्ड्स कहते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप मई मंथ में कैसा फील कर रहे थे, कैसी एनर्जीज थी मई मंथ में आपके लिए। सो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं स्पेशली मई मंथ में स्ट्रेस था, तनाव था एंड स्पेशली इन रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा है आपने। शायद आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं या रिलेशनशिप किसी प्रकार का एंड हुआ है, स्ट्रगल्स चल रही हैं। सो उस तरीके का पेन एंड इमोशनल हार्ट ब्रेक दिखता है। सो मई मंथ में शायद आपने बड़ी कोशिश भी की उनसे बात करने की, टच में आने की, बट वो हो नहीं पा रहा था। एंड उसी के साथ साथ एक तरीके का एक इमोशनल पेन एंड ट्राइंग टू मूव ऑन भी दिखता है। सो ये सिचुएशन दिखती है। अब वो डिपेंड अगर थोड़े टाइम का है या थोड़ी बहुत झगड़ों में बात हुई है तो उस तरीके का इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। अगर किसी भी प्रकार का, हम कहते हैं ना कि मैरिड हैं बहुत सालों से, नो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, या रिलेशनशिप बहुत लंबे समय से दिक्कत में है, सो अगेन ये उस तरीके की स्ट्रगल्स एंड एंडिंग्स को डिनोट करता है। बिकॉज यहाँ पे भी अगर मैं आगे आ जाऊँ तो जून मंथ में स्पेशली लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा तनाव बना दिखता है। अगर आप मैरिड हो स्पेशली एंड डाइवोर्स की अगर बातचीत चल रही हो तो जून मंथ में भी उन चीज़ों को लेकर और डिस्कशन, डाइवोर्स के लिए, सेपरेशन के लिए, ब्रेकअप के लिए हम करते हैं ना, कोशिश कर रहे हैं बट वो हो नहीं रहा, वो एंडिंग की तरफ ही जा रहा है। तो ये उस तरीके की चीज़ों को भी इंडिकेट करता है। बट हम आगे देखेंगे, ऑफकोर्स ये सब जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 से लेके किया उनके लिए नहीं है कि एंडिंग ही हो जाए, ब्रेकअप ही हो जाए। ये डिपेंड करता है, अगर वो छोटा सा लड़ाई हुई है आपको ज़्यादा पता होगा। तो ये बताता है कि थोड़ा सा जून मंथ में, हम आगे के कार्ड्स भी देखेंगे लव लाइफ के लेके आ रहे हैं, बट मेरे को मोस्ट ऑफ द एनर्जीज ना थोड़ी सी इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है, मोर देन काम का स्ट्रेस इक्वली है, बट आपका ज़्यादा जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो इमोशनल स्ट्रेस में ज़्यादा हो रही है। आपकी पार्टनर से कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी समझ में नहीं आ रही है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं एंड कहीं ना कहीं ना बड़ा ईगो सा क्लैश हो रहा है, अनबन हो रही है। हम कहते हैं ना बस प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहा है, भाई तू सही मैं गलत, मैं नहीं, मैं सही तू गलत, तू सही मैं गलत, वो वाली जो रहती है बस प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि हम रिश्ता बचा लें इसके बदले, बट हाँ ना सही गलत बड़ा हो रहा है। तो उस वजह से ना ईगो क्लैश, टेक्निकल चीज़ें, वो बड़ा डिस्कशन हो रहा है। तो उस वजह से ना तनाव बड़ा बना हुआ है रिश्तों में। आप बाकी बताइएगा क्या इंडिकेट करता है। बाकी उसके अलावा अगर लव रिलेशनशिप में यू नो बहुत ज़्यादा अगर मैं बाहर आने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज कार्ड्स मुझे ज़्यादा ये इंडिकेट करे तो मुझे कहना पड़ रहा है। बाकी इन जनरल जो कहेंगे मैम हम तो सिंगल हैं, हमारी लव लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, देन सो ऑफकोर्स वहाँ पर ये चीज़ें इंडिकेट करती है कि मई मंथ में थोड़ा सा इमोशनल आपको स्ट्रेस रहा है। हम कहते हैं ना कि हमें लोनली लगता है, हमें लगता है कोई हमें समझ नहीं पा रहा, हम अपनी ज़िंदगी में क्या करें हमें दिख नहीं रहा, हम अटक गए, हम कन्फ्यूज्ड हो गए, हम अपनी ज़िंदगी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, हमें इम्बैलेंस लगती है हमारी ज़िंदगी, हमें हमारी ज़िंदगी एक स्टेबल नहीं लग रही, उतल पुतल सी लग रही है। तो मे मंथ सम हाउ स्ट्रेस था, विचारों का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, ज़िंदगी का स्ट्रेस, आगे क्या होगा, तो इस तरीके से ना तनाव बना दिखता है। वहीं हम आगे आते हैं कि आगे बढ़ते बढ़ते ये कार्ड जैसे था कि ये था कि यू नो ये जो तनाव चलता आ रहा है ये जून में थोड़ा सा पहले के एक दो हफ्ते में चलता रहेगा, मैं इसे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए नहीं कह सकती हूँ, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन इस प्रकार की दिखती है। बाकी साथ साथ अगर हम चलते हैं तो आपके काम को लेकर कोई अच्छी खबर, अच्छी पॉजिटिविटी आ सकती है। बट ये एक चीज़ ये भी दिखाता है कि हो सकता है कुछ लोग अपने जॉब में, काम में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल आपके अगेंस्ट प्लानिंग करते हैं, अगेंस्ट होते हैं, कुछ और इंसान की वजह से, कोई और एक इंसान की वजह से आपका काम बिगड़ जाता है या वो आपको सक्सेस नहीं आ जाता। वो आपका बॉस हो सकता है, कोई और कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट ये एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सम पॉलिटिक्स डिस्टर्ब्स यू, बट ज़्यादा परसेंटेज तो भैया ये है कि कोई काम में अच्छी खबर और सपोर्ट आपको मिल सकती है। कुछ आपकी ज़िंदगी में एक काम को लेकर, बिजनेस को लेकर सम पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, विच इज़ अ गुड थिंग। और ये पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना भी हो सकता है किसी के साथ, अगर आप आपके लवर, आपके पार्टनर, हस्बैंड वाइफ या फ्रेंड्स, कोई भी किसी के साथ भी अगर पार्टनरशिप की तैयारी कर रहे हो तो ये उसके लिए भी अच्छा आइडिया, इंडिकेशन देता है। वहीं अगर हम बात करें कि लव रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन दिखती है, तो यहाँ पर दिखता है कि सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी, ये कार्ड सबसे पहली चीज़ एक पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, बट डिपेंड्स कि साइड्स में कॉम्बिनेशन क्या आ रहे हैं।
तो ये कार्ड का ऑल ओवर कॉम्बिनेशन बनता है कि अगर छोटी मोटी लड़ाई चल रही है तो वो रिकवर हो सकती है जून के एंड में, मतलब मैं कहूँगी ऑलमोस्ट जून के फोर्थ वीक में आते आते चीज़ें बेहतर और सुधार आ सकता है। वहीं चीज़ें अगर गंभीर हैं तो वहाँ पर एक फैमिली का मिलना जुलना डिस्कशन सॉर्ट आउट करने की कोशिश हो सकती है, बट मैं ये नहीं कह सकती कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। छोटी मोटी लड़ाइयाँ सॉर्ट आउट हो सकती हैं, थोड़े टाइम से बात नहीं हुई तो सुलह हो सकती है, लंबे समय के लिए अभी भी ये आउटकम कार्ड ने इतना कॉम्बिनेशन स्ट्रांग नहीं दिया रिलेशनशिप के लिए कि मैं वो उतना कह सकूँ। पर छोटी मोटी चीज़ों में खुशी, हम कहते हैं ना कि हमने हमारे बच्चे के लिए बात कर ली, अगर मैरिड है तो ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में है, अभी तक मैरिज नहीं हुई है, वहाँ पर भी जून के फोर्थ वीक में कुछ रिकवरी पॉजिटिविटी आ सकती है, चांसेस हैं। ये एक अकेला कार्ड थोड़ा सा कमज़ोर माना जाता है, बट स्टिल मैं इसे फिर भी एक पॉजिटिव नोट कहूँगी कि रिलेशनशिप में ये एक सपोर्ट अच्छी दिखाता है जून के फोर्थ वीक में। वहीं हम जून के ऑल ओवर एनर्जीज की तरफ बात करें तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं ना, ये एक स्ट्रगलिंग कार्ड है, थोड़ी सी स्ट्रगल दिखाता है। देखो ऑनेस्टली सेइंग, ये कार्ड के जो ये दो अच्छे कार्ड्स आए ना आपकी ज़िंदगी में, हम कहते हैं ना जून मंथ आपके लिए थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस बना हुआ दिखता है, कोई ना कोई चीज़ की इमोशनल चिंता बनी हुई है। बट मंथ के एंड में आते आते, जैसे हम मंथ का एंड कहेंगे, थोड़ी थोड़ी खुशी पॉजिटिविटी बीच बीच में आपको ना भगवान थोड़ी थोड़ी खुशी की दवाई देते रहेंगे कि चलो मैं ये काम करा देता हूँ, मैं वो काम करा देता हूँ, ऐसे करके कहीं ना सुख दुख चलता रहेगा, या तो आप कह लो मूड स्विंग चलते रहेंगे, कभी मूड अच्छा तो कभी मूड खराब, तो इट्स अ मिक्स थिंग, बिकॉज आपके कुछ कार्ड अच्छे आए हैं कुछ कार्ड पॉजिटिव है, तो इट्स अ मिक्स एंड मैच हो रहा है। सो दिस डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट सिचुएशन, बट ऑल ओवर मैं इसे बहुत ही वर्स्ट मंथ नहीं कहूँगी, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अभी आपके डिवाइन मैसेजेस कार्ड्स हैं वो बड़े प्यारे प्यारे आए हैं, तो वो ज़रूर आप देखिएगा। सो ऑल ओवर मैं कहूँगी समवेयर ना इमोशनल स्ट्रेस है, मैरिड और डाइवोर्स की बहुत सारी बातें चल रही, तो उस तरफा तो स्ट्रेस दिखता है, बाकी काम को लेकर अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज दिखती हैं। छोटी मोटी नो अगर थोड़े बहुत पंगे चल रहे हैं तो वो जून फोर्थ वीक सुधार हो सकता है। बाकी ऑल ओवर ना ये वाला जो स्ट्रगलिंग कार्ड है, हम कहते हैं कोई चीज़ लंबी समय से चल रही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में, मैरिज हो, कोई भी चीज़ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लंबे समय से चल रही है, तो वो मैं नहीं कह सकती भैया वो ख़त्म हो जाएगी ये मंथ में। वो तो हम कहते हैं ना कि वो ज़िंदगी का एक ऐसा चीज़ है कि वो फिर डिवाइन टाइम पर अपने आप ख़त्म होते हो, नहीं तो हम वो एक चीज़ में बस ये ज़िंदगी का ये हिस्से को हम काट रहे हैं, या कब समय ख़त्म हो पता नहीं, बट देर इज़ सम काइंड ऑफ, अगर जो लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में यू नो रिलेशनशिप में स्ट्रगल फेस करें, उनको लग रहा है हम लाख कोशिशें करें रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा, तो वहाँ पर ये कार्ड के कुछ आगे भी कॉम्बिनेशन आया मैं बताऊँगी, तो वहाँ पर ये एनर्जी थोड़ा सा एंडिंग के लिए डिनोट करती हैं। बाकी आगे जो आपके लिए नो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड्स आए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कह रही थी कि मुझे जिनके स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप लग रहे हैं वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक एंडिंग्स या मूव ऑन दिखता है, बिकॉज़ ये आपके लिए रिलेशनशिप गाइडेंस कार्ड है जो कहता है रिलीज़। सो अगेन यहाँ पर भी पर्सन अपनी सारी स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहा है, लेट गो कर रहा है। यहाँ पर ये लड़की भी सेम कर रही है, यहाँ पर भी ये दोनों ही पार्टी ना, मतलब ये बताता है स्ट्रगल कार्ड है, देखो इतना सारा सॉरी कार्ड ही गिर गया। सो यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि आप ये जो सारा सामान भार, इतना बड़ा माउंटेन उन्होंने चढ़ना और ये लोग इतनी स्ट्रगल करके जाएंगे, तो दोनों ही पार्टी स्ट्रगल कर रही हैं, तो मुझे स्पेशली जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ना वो स्ट्रगल दिखती है कि वो चल रही है, और कुछ लोग ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ना उनकी ज़िंदगी में शायद रिलेशनशिप की एंडिंग्स हो गई है, या उनको लग रहा है भैया होने वाली है। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जहाँ पे यू नो बड़ी लंबी स्ट्रगल चल रही है, मतलब सारे डर ना जाना कि मैम सबके रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएंगे क्या, आपको ज़्यादा पता होगा, सच में बताऊँ आपको ज़्यादा पता होगा कि भैया इतनी स्ट्रगल चल रही है, सब कुछ हाथ पैर मार रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, इतने टाइम से बात नहीं हो रही, इतनी फ़ोन कॉल की कोशिश की, कुछ रिकवरी नहीं हो रही, कुछ सुन नहीं, आपको मतलब ऑफकोर्स यू मस्ट बी नोइंग वेल। सो उन केसेस में ना ये मंथ बताता है अ टाइम ऑफ मूव ऑन, ब्रेकअप, एंडिंग्स, समवेयर वो एनर्जीज को डिनोट करता है, जबकि ये एक कार्ड बताता है कि फोर्थ वीक में जिनके रिलेशनशिप में हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स है वहाँ पे रिकवरी आ सकती है, बट समवेयर दिस इज़ मोर एनर्जी ऑफ यू नो लेटिंग गो एंड रिलीज का कार्ड है जून मंथ में। वहीं आपके लिए जो फाइनेंशियल गाइडेंस आई है डिवाइन गाइडेंस, तो ये कहता है कि यू नो आपका कई बार मन परेशान हो सकता है कि देखो यार दुनिया में इतना स्ट्रेस हो गया है पैसे को लेके, इकोनॉमी का क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा, कैसे होगा, बड़ी चिंता भर जाएगी, तो ये डिवाइन कार्ड आपसे कहता है कि जो हमारे अभी के करंट हालात हैं, जैसी भी सिचुएशन हो,
आपने अपने आप पे भरोसा रखना है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। तो जितने भी आपको पैसे को लेकर चिंता, फियर्स, ये सब है, उन सबको आप लेट गो करें और ऊपर वाले पे, एंजल्स पे, डिवाइन गॉड पे भरोसा रखें कि नहीं यार, जो भी है, जैसे कुदरत है, इतने पानी के अंदर भी मछलियों को खाना पहुंचाती है, तो उसने ज़रूर मेरा भी कहीं ना कहीं इंतज़ाम करके रखा होगा। मुझे स्टिल इस समय में भी अपना बेस्ट देना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, मुझे अपनी बेस्ट कोशिश करनी है, अगर जॉब नहीं है तो जॉब ढूंढने की, बिजनेस सेटलमेंट की, गिव अप नहीं करना। आई हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। तो ये उस तरीके की एनर्जीज आपको कह रहा है कि दुनिया को देखकर या दूसरों की, हम कहते हैं ना कि दूसरों से कोई टॉपिक पर बात करो, फिर वो लोग और ही नई नई चीज़ें बोल बोल के और ही डरा देते हैं। तो उस तरीके से उन डिस्कशन में आप इन्वॉल्व ना हो, ट्राई योर बेस्ट कि आप अपना बेस्ट तो कोशिश करें, और जॉब में वैसे भी आपकी फाइनेंशियल में थोड़ी सी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखती है वो साइकिल में। बाकी आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है, आपके लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स? तो ये मैंने ना कार्ड एक्स्ट्रा पुल किया इस मंथ में कि सेल्फ, मतलब आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है, नो इन जनरल फॉर योर सेल्फ, आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे अपने आप को खुश रखें, आप अपने लिए क्या कर सकते हो। भैया लव करियर अलग चीज़ है, बट खुद का भी तो ख्याल रखना है। तो यहाँ पे कितना खूबसूरत कार्ड आया आपके लिए, कार्ड कहता है प्ले। एंड ना मैं ये कार्ड को इस कार्ड से ना बड़ा रिलेट कर पाई हूँ, बिकॉज हम जब भी रीडिंग करते हैं तो कुछ कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो आप ये देखो, यहाँ पर भी लोग खुश हैं, खेल रहे हैं, उनका घर है, गृहस्थी है, जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, खुश हैं। यहाँ पर भी इन एनिमल्स को अगर आप देखो, ये लोग आगे पीछे का, इनके पास भगवान ने शक्ति नहीं दी ज़्यादा सोचने की, उसी पल में जीते हैं, जहाँ पर भी हैं खुश रहते हैं। तो समवेयर ये लॉकडाउन का वैसे भी समय ऐसा है कि हम अपने परिवारों के साथ हैं, कुछ लोग नहीं हैं, अकेले भी रह रहे हैं, बट समवेयर प्ले का मतलब ये नहीं होता कि भाई अब ग्राउंड में जाके खेल लें हम लॉकडाउन में। दिस इज़ समवेयर हमारी इंटरनल जो एनर्जीज होती हैं कि हम अपने आप को खुश रखें, पॉजिटिव रखें, कुछ ऐसा करें जो भैया हमें खुशी दे। मे बी हमारी फैमिली के साथ कैरम बोर्ड खेलना क्यों ना हो, एक अच्छी मूवी देखना क्यों ना हो, एक अच्छा समय बिताना क्यों ना हो, या अब जो आजकल की बड़ी नई नई गेम्स आई हुई हैं वो खेलना ही क्यों ना हो। समवेयर हम जहाँ पर भी हैं वहाँ पर जो चीज़ हमें खुशी दे सके वो करें, एफर्ट लें अपने आप को खुश करने का। बहुत लोग सोचते हैं कि ना खुशी आएगी अपने आप, कई बार ज़िंदगी में खुशी अपने आप नहीं आती, आपको खुशी क्रिएट करनी पड़ती है। अपने आप को खुश करने के लिए कुछ ऐसा माहौल, ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती कि मैं खुश होऊंगा, तो वो एक्शन लेने के लिए आपको कहा जाए, दैट यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। सो उस तरीके की एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं कि जो भी है, जैसा भी है, ट्राई योर बेस्ट टू बी हैप्पी। यहाँ पर भी बहुत बड़ा मैसेज लिखा हुआ है, बट ऑल ओवर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। सो जिन लोग भी इसको रीड करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे क्लोजअप में दिखा देती हूँ, आप इसको पॉज करके यू कैन रीड इट। सो सबके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, बट ये उसका मीनिंग है। तो जिनको इंग्लिश नहीं आती, नहीं पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम, मैंने सब समझा दिया आपको, सो डोंट वरी। ये आपको कहीं ना कहीं कुदरत कह रही है एंड ऑफ कोर्स जिनके पास पेट्स हैं, दे कैन ऑफ कोर्स रिलेट टू दिस, अपने पेट्स के साथ आप खेलें, खुश रहें। समवेयर इसका मीनिंग है, जितनी भी स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में आई है इस जून मंथ में, और ना जैसे हम कहते हैं ना कि भैया बारिशों का फिर मौसम आ जाता है, तो वैसे ही सबके मूड अपने आप थोड़े अच्छे हो जाते हैं आपको लगता है अच्छी हवाएं चल रही हैं, चलो यार कुछ गरम गरम बना के खाते हैं, ये है वो है। तो कहते हैं ना, मौसम भी गर्मी वाला हो तो सबका दिमाग वैसे ही ख़राब होता है। तो मे बी सम पीपल कैन रिलेट टू दिस ऑल्सो, बट ऑल ओवर जून मंथ में आपने कोशिश करनी है अपने आप को खुश रखने की, एंड ऑल ओवर इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, सेल्फ हो, आई थिंक मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की। बाकी आप मुझे बताइएगा इस रीडिंग से कितना रिलेट हो पाए हैं, कनेक्ट हो पाए हैं, मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि नहीं, आई रियली डोंट नो। आप हर रीडिंग में उसको ना कमेंट्स देके चार चांद लगाते हैं और फिर मुझे पता चलता, अच्छा चलो मैंने रीडिंग अच्छी की थी। मुझे ऐसे रिकॉर्ड करके कभी भी नहीं पता चलता कि मैं क्या कह रही हूँ, इससे कितने लोग रिलेट हो पाएंगे, कितनों की गाइडेंस या उन्हें हेल्प पहुंच पाएगी। आपके शब्द मुझे सुकून, मुझे भी खुशी देते हैं एंड इस वीडियो को और प्यार देते हैं। सो थैंक यू सो मच। ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।